मॉर्निंग दोस्तों, भाई क्या हाल चाल है? सभी को राम राम, दुआ सलाम। ये अपना अभी उठ के सुबह सबसे पहले गाड़ी धोना है भाई, पहले दूसरे गाड़ी धुलवाएंगे। अब खेत में है भाई, देख रहे हो भाई क्या भयंकर गंदी हो रखी है, भयंकर गंदी। आज निकलना है दिल्ली तो उस चक्कर में गाड़ी धुलवा लेते हैं एक बार अपनी भाई, मस्त है। लेकिन भाई टच वुड बहुत बढ़िया, बहुत गंदी हो रखी ज़्यादा ही, अंदर से भी बाहर से भी। तो मैंने पहले धुलवा लेते हैं छत, देख रहे हो पूरी खेतों में भाई। ये ऐसे जुगाड़ धुलाने का थे गाँव में, इन पर हाइड्रोलिक ले रही उठ जाओ ऊपर को भाई। लेट हो गए थोड़ा निकलते निकलते, बिकॉज नहाना धोना और फिर वही कल थोड़ा लेट आए थे, उसके बाद घर पे भी थोड़ा टाइम बिताया। छुप छुप के देखते हैं तो ही छुप छुप के देखते हैं घर पे बात है। तो भाई सिवांस को जो कहना, सिवांस की बात ध्यान से सुनो। सिवांस पिछले डेढ़ घंटे से परेशान है कि व्लॉग नहीं कर रहे हो आप। पानी लो क्या ले भाई, दिल्ली की तरफ वापस निकल गए अपन। और ये पीछे गाड़ी कौन सी खड़ी थी, और जब दिल्ली की तरफ निकले ना भयंकर से धूप है, और धूप से ही चल रहे हैं घर। और निकले निक्की परेशान हो गई देख के, राधे शौक पहले गए भी नहीं, बहुत दिनों से परेशान है। ये कोल्लू, मेरे को लगा कोल्लू बंद हो गया पर यहाँ चल रहा है, तो तुम्हें कोल्लू का दर्शन बताता हूँ जहाँ पे गुड़ बनता है। वो सारे के सारे मतलब जितने भी हैं यहाँ साफ होगा, इसमें पड़े हैं, इसमें जाते हैं गन्ने। इसमें तो जो रस निकल रहा है देख रहा, यहाँ तो निकल रहा था राम राम, पर यहाँ से निकल रहा इसमें जा रहा सीधा, यहाँ जो रस है ये रस है इसमें निकल रहा था यहाँ। और यहाँ से छेद एक और दिख रहा है, ये छेद में पाइप में है, यार ये पाइप लग रहा है उसमें जहाँ पे गर्माई चल रही, यो पाइप जा रहा है इसमें पहले वाले में कड़ा में, इस कड़ा में यहाँ हो रहा गर्म, यानी चाक चल रही सब में। पहले यहाँ साफ हो गई गर्म होकर, फिर आ गए उसमें दूसरे में। पहले में तो साफ हो गया, फिर दूसरे में भाई ट्रांसफ़र हो, वहाँ साफ हो, पहले सफाई चले इसकी। पहले साफ़ होता है पहले वाले कढ़ाई में, फिर दूसरे वाले कढ़ाई में साफ़ होता है, इनमें डाला भी आता है सफाई करने के लिए। उसके बाद तीसरे में यहाँ पूरा साफ़ हो जाए, देखो निकाला गंदगी निकाल रहे, देखो देखो जो मैल रहता है ना इसको वो निकाल दिया जाता है इसके ऊपर बैठ के, जितना ही मैल रहता है सब निकाल दिया जाता है पहले। धीरे धीरे बिल्कुल साफ़ हो जाएगा ये जो डाला है इसके अंदर, ये मैल निकालने के लिए, ताकि मैल निकल जाए पूरा का पूरा। ये मैल साफ करने क्या डालते हो इसके अंदर, कुराली सुखड़ाई डालो। अच्छा नुकसान कितने दिवा, नुकसान क्यों हुआ अभी, नुकसान क्यों हुआ अभी, और मसाला कहीं में गिरो फिर क्या मसाला है, गुड़ बना दिया ऐसा मसाला है इसमें भी, बिना मसाले के नहीं चला यू। अच्छा धीरे धीरे वो पूरा साफ हो जाएगा ये वाला। ये साफ हो गया बनागा, वो देख रहा बिल्कुल साफ हो गया वाला, अब उससे बनागा फिर गुड़ यहाँ लाया जाता है गुड़ इसके अंदर, देख रहे हो तगड़ा हो गया पूरा का पूरा। पकड़ लिया, उड़ गया उड़ गया, इसमें तार तार का दर्द हो गए। अरे पेड़ी के
ना बना दिया भाई बड़ का नाम तेरा और भेजिए भाई वैसे नाम पता पड़ेगे हैं तेरे भी ले लो भाई अरे तू भी ले लो तू कहां जा बिना मसाले कौन सा वहां जा रहा वो भी बिना मसाले गया वहां जा रहा हैं सारे मसाले का ही है सारा बिना मसाले का ही है अच्छा और वहां जा रहा वो होंगे वो भी बताओ बताओ इनमें क्या बोरी में क्या टांग रखे आयु इनमें हैं अच्छा मैल को मैल भर के टांग दो उसमें यार अच्छा पूरा साफ हो जाएगा ये गुड़ निकले लग रहा भाई पूरा का पूरा ये निकल गया ऐसे निकला है गुड़ गरम गरम ये गुड़ ही निकल रहा देखो जमा दिया पूरा पहले से फैल जा पूरा का पूरा रगड़ा जा इसके ऊपर पहले पूरा अच्छे से हलवा बनाते हैं वैसे रगड़ते हैं पहले फिर सख्त हो जाता है पानी से ये टेबड़ी निकाल लेते हैं ये चलता रहता है वो सुखाया जा रहा था वो सब गन्ने का ही बुरादा है वो पीस के निकल रहा है ना इनको सुखा के फिर आग जलाते हैं इसके अंदर भट्टी में सही है भाई ये पूरी प्रक्रिया बताओ बैठा गुड़ बेचने के लिए एक गुड़ नो गुड़ को तैयार होने कितना टाइम लगा वहाँ से ले गए यहाँ तक आने में कितनी प्रक्रिया कितना टाइम लगा भाई हैं वहाँ से यहाँ तक आने में कम से कम एक घंटा चलो भाई अब गुड़ ले लिया हमने देखो ना बिल्कुल ये बिल्कुल साफ हो गया अब ये हो गया बिल्कुल साफ सफ़ेद और वहाँ हो जाएगा फिर और रात हो जाएगा बिल्कुल जो मसाला क्या मसाला का मसाला इसमें गिरा है वहाँ गिरा है मसाला अच्छा वहाँ गिरा अगर गिरना हो तो और कौन सा मसाला हो वो हैं अच्छा यू वाला यू तो सफेद वाला जो गुड़ में जो मसाला लगाया यू भाई देखिए उधर यू मसाला हो यू तो नुकसान का होता वैसे ही वो है मंडी के लिए आया वो अच्छा चलो ठीक है अब अपना गुड़ लेकर हम तो चले आप आके घर के डब्बू भाई अब आए गाड़ी में अब चल रहे घर की तरफ गुड़ ले लिया भाई कोल्लू देखा बहुत दिनों के बाद अंदर गया कुछ कोल्लू में आराम से तसल्ली से आप लोगों के लिए जो वीडियो देखी आपने वो बनाई इतने मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको उठा के भाई इसको पहले सनरूफ में खड़ा होना है इसको भी दोनों भाई को पहले सनरूफ में खड़ा करता हूँ फिर करता हूँ आप लोगों से बात एक मिनट रुको दोनों बदमाश खड़े हैं भाई ऊपर देखिए कैसा लग रहा है सिवांश सिवांश कैसा लग रहा है भाई अच्छा दोनों को अच्छा दोनों को अच्छा लग रहा है रुद्रास को दोरी में जा रहा है मुंह खोला रुद्रास तो देखो रुद्रास खड़ा है इसे दबाते हैं जिस पे तेरा आता है बच्चों के साथ ऐसे रहता है यार ये दबाते हैं फुल मजे निक्की तू भी खड़े हो जा अच्छा तुम भी हो जाइए गाड़ी तेरा चाचा चला होगा ये आ गए अमर सुदेव अब यहाँ पे लगाएंगे पार्किंग की देखते हैं अंदर मिल जाएगी तो होटल का है ही पार्किंग है भाई बहुत है ही पार्किंग जगह कितनी घेर रखी है इसने यही है होटल हाँ यही है रेस्टोरेंट यही है ठीक है यहाँ लगाते हैं बैक करें गाड़ी भाई हमने लगा दिया पार्किंग में अब चलते हैं अंदर फिर बाद में बच्चों को भी झुलाएंगे यहाँ पे खिलाएंगे बच्चे बच्चे के लिए ऑप्शन है काफी खेलने कूदने के लिए उसमें थोड़ा बच्चों का मनोरंजन हो जाएगा यहाँ पे अमृत सुखदेव ढाबा फेमस जहाँ के कहते हैं मुरथल के पराठे सबसे पहले इसी के फेमस हुए थे गूगल से जो लोग आते हैं उनके लिए एक सलाह है इससे सही 3-4 किलोमीटर पहले ना गूगल दिखाता है कि रोड पे आप हाईवे छोड़ दो और सर्विस लाइन पे आ जाओ बिल्कुल भी मत करना भाई ऐसा चंडीगढ़ हाईवे पे रहो बिल्कुल बिल्कुल चंडीगढ़ हाईवे पे रहो और बिल्कुल अमृत सुखदेव के सामने ही ये कट है बिल्कुल सामने ये वाला आप हाईवे पे रहो आपको दिख जाएगा रोड से ये अच्छा खासा ऊपर नाम दिख रहा है आपको अमृत सुखदेव ये देखो
दिख रहा है ना, इसको देखते ना, बस दूर से दिख जाता है किलोमीटर पहले, और यहीं पे गड्ढा बिल्कुल गाड़ी है ना, वैसे उस तरह गाड़ी है, आराम से अंदर आ जाओ, पार्किंग बहुत लगी, बहुत जगह पार्किंग है आराम से। तो गूगल बाबा की मत सुनना भाई, गूगल बंद करके आना, हमने तो गलती कर दी गूगल बाबा को सुन के। मिर्ची का गिलास, मिर्ची भरी है इसके अंदर भाई, जिस भाई को मिर्ची खाने का ज़्यादा शौक है खा लो, ये जो खिलाओ उनकी को, ये देखो, ये देखो, ये खाई मिर्ची, मिर्ची खा लीजिए, देखो खा ले, मुँह चलाइए, सीमांत को खिलाओ मिर्ची, देखो सीमांत को, ये सीमांत ने खिला दी मिर्ची। और ये उस्ताद जी अपने है ही मान, ये तो उस्ताद जी बहुत मान है। क्या कर रहे हो भाई, क्या हाल चाल है? हम तो बैठे हैं इंतजार में, ये आगे रुद्रांशी पेप्सी, हम नहीं पी रहे पेप्सी, हम नहीं पी रहे पेप्सी, पेप्सी पीनी है तो क्या खाएगा, क्या खाएगा? निक्की ने खाया भैया आलू का परांठा, इज फेमस। पेप्सी ऐसी लाई मैंने, मतलब पी नहीं, ऐसी मंगा ली थी गलती से। ये मैंने खाया भैया मसाला डोसा, बच्चों ने खाया ग्रिल सैंडविच, ये खाएगा मुझे भूखा आदमी है। बिल दे दीजिए, हम लगाएंगे बिल, बिल भर के चलेंगे हमें ना, हम बिल भर के चलेंगे, बिल भरना है ना। कितना हो गया? हो गया हमारा, अब बच्चों को ले जाना थोड़ा मस्ती करवाने, चलो भाई चलो चलो हीरो चलो चलो, अरे 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 हो गया है, चलो भाई चलो चलो चलो, निके हाथ पकड़ ले इसका, चलो 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 चलो, भाई हाथ नहीं पकड़ रहा किसी का भी, चलो चलो। कहाँ जा रहा है? ऊपर भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा ऊपर, भाग सीमान भैया को ले जा साथ में, मजा आ गया। ये तो घूम रहा है रुद्रांश, तो सीमान जा घूम, ये चोट लग जाएगी आराम से, वो खड़ा ना जैसे उसका पता नहीं ना उसका, देखो खड़ा ना वो यार, बेल्ट जरूर दिया करो, बच्चा खड़ा जा रहा है उसे क्या करोगे यार। हाँ चलो 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 ऊपर, तो 15 मिनट वेस्ट नहीं करना है, 15 मिनट खेलना है। You like it? Okay. Come. Pura let ke aao. Full enjoy, eh? Chalo, chalo, chalo. Waste nahi karna time. You have 15 minutes only. Oh, shash. What is your name? What is your name? Havish. Havish? Okay, great. चल के आओ ऊपर से सिवान, चल के आना इस बार ऊपर से, चल के आना, चल के ऊपर से यहाँ से आओ आओ। ये फुल मजे ले रहे हैं बालक भाई। अरे क्या हाल है, उतरना है, उतरना है तेरे को, नहीं उतरना पक्का भाई, खाने की चीज़ तो
अच्छा डेड स्किन खा रही है सारी सारी है सारी की सारी डेड स्किन खा रही है। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से खाना ना खा के अपना घर की तरफ। अब कहीं नहीं रुकेंगे, अब कहीं रुकेंगे नहीं बीच में, अब सीधा घर जाकर रुकेंगे। अब कोई स्टॉपेज नहीं है बीच में, कोई मूड नहीं है बीच में रुकने का। ओ वहाँ पे खाना खाने के बाद ना मैक्सिमम लोग वापस रॉन्ग साइड लेके जा रहे हैं हाईवे पे भाई, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कभी भी ऐसा करो बिकॉज आप आते हो मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। हल्की सी भी किसी चोट लगेगी ना भाई हाईवे पे, मतलब आमने सामने टक्कर होने हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा गाड़ी में भी और तुम्हारे अपने आप में भी। तो सजेस्टेड यही है भाई कि अपना कितना दूर है, मुश्किल से 500 मीटर था यू टर्न, 500 मीटर आगे आओ यू टर्न लेके वापस चले जाओ। कितनी देर लगेगी, मुश्किल से 2-3 मिनट बस हद मार के। अबे 2-3 मिनट बचाने के चक्कर में आप रॉन्ग साइड जाते हो, टाइम उतना ही लगता है वहाँ पे भी। पुलिस वाले पकड़ेंगे, चलान अलग काटेंगे, कहीं आमने सामने टक्कर लग गई तो वो अलग से नुकसान है ना। तो भैया बिल्कुल भी ऐसा काम करो ही मत जहाँ पे तुम्हें चोट लगे, बिकॉज तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा बढ़ के कुछ है नहीं, पर तुम्हारे परिवार के लिए और बाकी लोगों के लिए भी भैया जिसे चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर आप गलत ले जाओगे तो भैया हो सकता है तुमसे किसी और को चोट लग जाए या तुम्हें खुद को लग जाए। बी केयरफुल, यहाँ से लगाते हैं पंजाब आते हैं और सीधा भागम भाग सीधा ताबड़ तोड़। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या चल भाई? अब अपने खाना वाना खा के खेल के होटल से आ गए और सीधा अपने घर की तरफ रवाना की। तो अब पकड़ लिया हमने कैंपी घर जाने के लिए। कह रहे थे बनियान गर्म बनियान निकालता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है भाई को, कर दो ना गर्म बनियान निकालता हूँ पहन रखा है जो, वो बड़ा परेशान कर रहा है। तो चिल मिला दी गर्मी है, अब जरा रोक के पहले गर्म बनियान निकाला जाए ताकि तसल्ली से गाड़ी चलाई जा सके। पहुँच गए अब टोल से क्रॉस कर लेंगे अपना और यहाँ से कैंपी होता है ख़त्म, मतलब घर यहाँ से और कुछ 20 मिनट की दूरी पे रह गया है, अब ज़्यादा दूर रहा नहीं है। रोड देखो टूटे फूटे स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, जैसे ही टोल ख़त्म होता है भाई वहाँ पे रोड ऐसा हो जाता है, क्या कर सकते हैं भाई। फाइनली घर पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को दोस्तों, सब्सक्राइब एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, उसे मिल जाता कुछ नहीं, सिर्फ एक ना एक हौसला मिलता है कि ऐसे वीडियोस और लगा लाते रहें, बनाते रहें, घूमने जाते रहें, आपको दिखाते रहें, एक प्यार प्रेम बना रहे और आप लोग सब बहुत सारे लोगों से जुड़ना चाहते हैं हम लोग। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब का बटन नीचे ही है, दबा दो सब्सक्राइब कर दो यार। आने वाली जो अच्छी अच्छी सीरीज़ हैं वो देखो आप भी, आने वाली जो बहुत अच्छी एक जगह जा रहे हैं, बहुत मस्त लोकेशन है, आने वाले टाइम में प्लान है उसमें, उसकी प्लानिंग के चलते ये सब खर्चे किए जा रहे हैं कि हाँ चलो उस टाइम पे जाएंगे तो सब चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है तो भाई आप लोग से गुजारिश है यही कि भैया उस ब्लॉग को पूरा देखो, जिसने नहीं देखा है पूरा स्किप करके देखा है वो दोबारा से देखो, पूरा देखो, जितने भी ये एपिसोड है सारे देखो। और हम करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म, फिर घर पहुंचने वाले हैं हम लोग। हम मिलते हैं आपसे कल।